नमस्कार, ऑटो टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर संदीप उपाध्याय। आज हम आपको बहुत ही एक बेहतरीन जानकारी लेकर इस वीडियो में आए हैं। टाटा जो अभी टाटा की नई कार जो हैचबैक कार है एल्ट्रॉस, वो सभी के दिलों में राज कर रही है, लेकिन कीमत और जेब में थोड़ा सा तंगी के चलते लॉकडाउन में लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। इसे देखते हुए टाटा ने अभी हाल फिलहाल अपनी एल्ट्रॉस के वेरिएंट सभी वेरिएंट में कीमतों में काफ़ी कटौती की है। तो क्या कीमतें रखी हैं, कितनी कटौती हुई है और क्या क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको बने रहना है लास्ट तक हमारे वीडियो में, और अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरा निवेदन है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इस साल के शुरुआत में अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोस को लॉन्च किया था। इसकी कीमत को अब अपडेट किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जहां सभी कंपनियां वाहनों की कीमत पर इजाफा कर रही हैं, वहीं टाटा ने अल्ट्रो डीजल की कीमत 40,000 रुपये तक कम कर दी है। हालाँकि इस बेस मॉडल की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बताते हैं डीजल वेरियंट की नई कीमतें। टाटा अल्ट्रोस के बेस एक्सी मॉडल की कीमत 6.99 लाख है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इसमें एक्सएम वेरिएंट की कीमत पहले से 7.90 लाख थी, जो अब घटकर 7.50 लाख रुपए हो गई है। इसके साथ ही इसके एक्सटी वेरिएंट की कीमत 8.19 लाख थी, 8,19,000 थी, जो एक्सजेड वेरिएंट की कीमत 8,79,000 रुपए और एक्सजेड टॉप की कीमत 8,95,000 रुपये हो गई है। भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक है अल्ट्रोस। कंपनी ने इस कार को जनवरी 2020 में लॉन्च किया था। बता दें कि ग्लोबल एनसीपी में 5-स्टार रेटिंग देने वाली यह भारत की इकलौती हैचबैक कार है। इसमें दो इंजन विकल्प हैं, पहला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन। अल्ट्रोस के डीजल वर्जन की कीमत बात करें तो 6,99,000 रुपये से लेकर 8,95,000 रुपये की एक्स शोरूम में यह गाड़ी आपको मिल जाएगी। इसके पावर की बात करें तो यह इसमें डीजल मॉडल में 1.5 लीटर में 4 सिलेंडर युक्त टर्बोचार्ज इंजन आपको मिल जाता है, जो 4000 आरपीएम पर 89 bhp की पावर जनरेट करता है और 3000 आरपीएम पर 200 nm का पीक टार्क पैदा करने में सक्षम है। इस प्रकार के पेट्रोल वर्जन में 1.2 लीटर और 3 सिलेंडर युक्त नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जो 6000 आरपीएम पर 85 bhp की अधिकतम पावर और 3300 आरपीएम पर 113 nm का पीक टार्क जनरेट करता है। जल्द टाटा देगी टर्बो और इलेक्ट्रिक अवतार। जानकारी के लिए बता दें कि टाटा मोटर्स अल्ट्रोस हैचबैक के टर्बो और इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी काम कर रही है। अल्ट्रोस टर्बो ने नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी में लिया गया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो टर्बो वर्जन में डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की सुविधा हो सकती है।